अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन यानी कुदरती नबातात। कुदरती नबातात से मुराद प्लांट्स की ऐसी कम्युनिटी है जो नेचुरली ग्रो करती है, यानी पौधों की ऐसा ग्रो जो इंसानी मदद के बगैर खुद ब खुद उग रहा हो, वो कुदरती नबातात या नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है। नेचुरल वेजिटेशन पर मुख्तलिफ कुदरती अवामिल असरअंदाज हो रहे होते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट रिलीफ और क्लाइमेट हैं। रिलीफ से मुराद सतह ज़मीन की खसूसियात हैं। सतह ज़मीन की खसूसियात में लैंड और सॉइल शामिल हैं। लैंड से मुराद सतह ज़मीन की बुलंदी या पस्ती है, कि वो लैंड मैदानी इलाका है, ज़मीन मैदानी इलाके पर मुश्तमिल है या पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल, या उसकी सॉइल या मिट्टी कैसी है। मिट्टी की जरखेजियत कुदरती नबातात पर असरअंदाज हो रही होती है। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट फिजिकल फैक्टर या तभी अवामिल में से कुदरती नबातात पर असरअंदाज होने वाला क्लाइमेट या आबोहवा है, जिसके तीन बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और सनलाइट यानी दर्जा हरारत, बारिश की मकदार और सूरज की रोशनी का दौरानिया है। इस बार लेटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड, लेटीट्यूड और आल्टीट्यूड भी असरअंदाज हो रहे होते हैं। लेटीट्यूड से मुराद खत्ते इस्तवा से उसका फासला है और आल्टीट्यूड से मुराद उसकी बुलंदी है। तो मुख्तलिफ बुलंदी के ऊपर मुख्तलिफ तरह की नेचुरल वेजिटेशन या कुदरती नबातात हमें नज़र आती है। तो लैंड में से मुराद सतह ज़मीन की खसूसियत है। सतह ज़मीन किस तरह की है, वो मैदानी इलाके पर मुश्तमिल है या पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है, उसकी ज़मीन की जरखेजियत किस तरह की है, फर्टाइल लैंड है या बैरन लैंड है। इसके बाद क्लाइमेट के तीन बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत की रेंज किसी इलाके की कुदरती नबातात पर असरअंदाज हो रही है, फोटो पीरियड या सन लाइट सूरज की रोशनी का दौरानिया असरअंदाज हो रहा होता है उस किसी भी इलाके की कुदरती नबातात के ऊपर। इसके बाद प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल है, कि किसी इलाके में किस मकदार में रेनफॉल हो रही होती है, क्योंकि कुदरती नबातात या पौधों के लिए दर्जा हरारत और बारिश दो बुनियादी अवामिल हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, यानी कुदरती नबातात को हम क्लासिफाई करते हैं। इसके तीन तीन बुनियादी क्लासेस हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट वेजिटेशन। फॉरेस्ट से मुराद नेचुरल वेजिटेशन की वो टाइप है कि जिसमें दरख्त शामिल होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट प्लांट्स की ऐसी कम्युनिटी है जो डोमिनेटेड बाय ट्रीज है, जिसमें डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन दरख्त होंगे। ग्रासलैंड्स वो इलाके होते हैं कि जहाँ पर डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रासेस होते हैं। और थर्ड टाइप डेजर्ट वेजिटेशन है, जिसमें ज़ीरोफाइट्स टाइप की वेजिटेशन होती है, जिसमें थॉर्नी बुशेज वगैरह शामिल होते हैं। इन तीनों क्लासेस को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है दो दो टाइप्स में। फॉरेस्ट को हम क्लासिफाई करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसीडियस फॉरेस्ट में। एवरग्रीन से मुराद सदाबहार जंगलात हैं और डेसीडियस फॉरेस्ट से मुराद बर्ग रेज जंगलात हैं, जिनके पत्ते साल में एक दफ़ा झड़ जाते हैं। ग्रासलैंड्स को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स से मुराद वो ग्रासलैंड्स हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स से मुराद वो ग्रासलैंड्स हैं जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। डेजर्ट वेजिटेशन या डेजर्ट्स को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हॉट डेजर्ट और दूसरे कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट वो रीजन होता है कि जिसकी टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और कोल्ड डेजर्ट्स उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ के एवरेज टेम्परेचर कम होता है।
तो फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट से मुराद कलेक्शन ऑफ ट्रीज है इन एन एरिया विच कैन बी इधर नेचुरल और आर्टिफिशियल। और वो कलेक्शन ऑफ ट्रीज नेचुरल भी हो सकती है या आर्टिफिशियल भी हो सकती है। अगर वो नेचुरली ग्रो कर रही है तो वो नेचुरल फॉरेस्ट कहलाएंगे, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर अब आर्टिफिशियली भी फॉरेस्ट को प्लांट किया जाता है वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कहलाए जाते हैं। जैसा पाकिस्तान में छांगा मांगा के जंगलात जो है वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, जिसको अंग्रेजों ने आर्टिफिशियली प्लांट किया। फॉरेस्ट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में शामिल हैं, जिस रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज से मुराद वो है कि जिसको आप दोबारा एक दफा खत्म हो जाने होने के बाद दोबारा भी आप उसको उगा सकते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट को हमने प्रीवियस स्लाइड में उसकी दो मेजर कैटेगरीज पढ़ी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है और डेसीडियस फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट से मुराद सदाबहार जंगलात हैं, यानी कि वो जंगलात के जो पूरा साल सरसब्ज रहते हैं। और डेसीडियस फॉरेस्ट से मुराद बर्ग रेज जंगलात हैं, यानी कि वो जंगलात के जिनके पत्ते एक साल में एक दफ़ा झड़ जाते हैं। इन दोनों को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट की तीन मेजर टाइप्स हैं। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रीजन में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि खत्ते इस्तवा के ऊपर जो जंगलात पाए जाते हैं उनको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, या सेल्वा के नाम से भी उनको पुकारा जाता है। ये घने तरीन जंगलात हैं, ज़मीन के ऊपर जो घने तरीन जंगलात हैं वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं, इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाने वाले। दूसरे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट हैं, वो जंगलात के जो मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द के जो इलाका है, जो कि मेडिटेरेनियन रीजन है, उसमें जो जंगलात या जो दरख्त पाए जाते हैं उसको हम मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट कहते हैं। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट भी एवरग्रीन फॉरेस्ट की एक टाइप है। और थर्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट की टाइप कोनीफेरस फॉरेस्ट है, यानी मखरूती जंगलात। कोनीफेरस फॉरेस्ट में जो पाए जाने वाले दरख्त हैं वो कोन शेप्ड होते हैं, जो कि लंबाई में ज़्यादा होते हैं और चौड़ाई में कम होते हैं, और कोन शेप की शक्ल में वो डेवलप होते हैं, इस वजह से हम उसको कोनीफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट की एक टाइप है। और नदरन रीजन में नॉर्थ की तरफ टेम्परेट रीजन में एक बड़ा कोनीफेरस फॉरेस्ट का एक बेल्ट पाया जाता है, जिसको टैगा के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी टाइप हमने पढ़ी डेसीडियस फॉरेस्ट, यानी बर्ग रेज जंगलात, जिनके पत्ते साल में एक दफ़ा झड़ जाते हैं। इनको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट को मूनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मूनसून रीजन में पाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो है ये मूनसून रीजन है, जिसमें मूनसून चलती है या मूनसून क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है। इसमें इन इलाकों में, यानी साउथ एशिया का जो मैदानी इलाका है, इसमें जो जंगलात पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट कहलाते हैं। जबकि इस ट्रॉपिकल रीजन से बाहर जब हम जाते हैं टेम्परेट रीजन में, तो टेम्परेट रीजन में भी एक डेसीडियस फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की हम बात करें तो इसमें 95% नेचुरल फॉरेस्ट है, जबकि 5% प्लांटेड फॉरेस्ट या आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है। और ये फॉरेस्ट जो है, ये टोटल जो लैंड एरिया है अर्थ का, उसका तकरीबन 33% को कवर किए हुए हैं। और इसमें जो मेजर कंट्रीज हैं उसमें रशियन फेडरेशन, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए और चाइना है। यहाँ पर भी इस ग्राफ में मेजर फॉरेस्टेड कंट्रीज जो हैं उनको शो किया गया है, जिसमें
ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अंगोला और पेरू जो है इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं फॉरेस्ट कवर के लिहाज से। कंटिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखते हैं तो इसमें अफ्रीका में जो फॉरेस्ट कवर है 17% है, एशिया में 14% फॉरेस्ट कवर है और यूरोप का 27% एरिया जो है फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है, जबकि नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका का 14% फॉरेस्ट ने घेरा हुआ है और साउथ अमेरिका का 23%, जबकि ओशिनिया का 5% फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। ये वर्ल्ड मैप हमें ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट शो कर रहा है, जिसमें ये ग्रीन एरिया है ये फॉरेस्ट को शो कर रहा है। इसके बाद ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को शो कर किया गया है यहाँ पर वर्ल्ड मैप के ऊपर। जो ग्रीन कलर का एरिया है ये कोनीफेरस फॉरेस्ट को शो कर रहा है, ग्रीन कलर जहाँ पर मैप के ऊपर ये वो एरियाज हैं कि जहाँ पर कोनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और जो ब्लू कलर में जो एरिया शो किया गया है वर्ल्ड मैप के ऊपर ये वो एरिया है जहाँ पर नॉन कोनीफेरस फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, इंडस्ट्रीज बहुत सी इंडस्ट्रीज को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सी कम्युनिटीज को एनिमल कम्युनिटीज को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, विंड और टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड इज एन एरिया वेयर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, जहाँ पर डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रासेस होंगे वो ग्रास लैंड एरिया, वो एरिया ग्रास लैंड कहलाएगा। इन ग्रास लैंड को भी हम फॉर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड एंड टेम्परेट ग्रास लैंड। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड वो हैं जो लाइज बिटवीन द ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के दरमियान जो ग्रास लैंड पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड कहलाते हैं, और जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं ग्रास लैंड वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहलाते हैं। यहाँ पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन को शो किया गया है। जो पिंक कलर का एरिया है ये ट्रॉपिकल रीजन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान आ रहा है, और इससे बाहर जो लाइट ब्लू कलर में जो एरिया जो जोन शो किए गए हैं वो टेम्परेट जोन है। ऊपर की तरफ जो जोन है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाते हैं, वो जो नीचे की तरफ है ये साउथ टेम्परेट जोन कहलाता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन शो की गई है वर्ल्ड मैप के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स की, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जो ग्रासलैंड्स, जिसमें प्रेरीज, पंपास, कंपोस, अफ्रीकन सवाना शो किए गए, एशिया के स्टेप ग्रासलैंड शो किए गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स ग्रासलैंड्स शो किए गए हैं। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड्स को इस ट्री डायग्राम में शो किया गया। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो इम्पोर्टेंट है सवाना जो सूडान में पाए जाते हैं, कंपोस ब्राजील, लानोस वेंजुएला और नॉर्दर्न डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में पंपास, प्रेरी, सदर्न डाउन, स्टेप, वेल्ड, पुस्टास और कैंटरबरी प्लेन्स हैं। इसके बाद डेजर्ट वेजिटेशन है। डेजर्ट वो एरिया होता है कि जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन होती है, और इस वजह से वहाँ पर जो लिविंग कंडीशन है वो प्लांट्स या एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन में पानी की कमी की वजह से। इस वजह से यहाँ पर मखसूस किस्म की वेजिटेशन पाई जाती है जिसको जीरो फाइट्स कहते हैं, जिसमें थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियाँ और इस तरह की जैसे कैक्टस की तरह की वेजिटेशन पाई जाती है।
ज़ीरोफाइट्स मखसूस किस्म की प्लांट वेजिटेशन होती हैं जिन्होंने इस डेजर्ट एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया हुआ होता है और वो उसमें सरवाइव कर रहे होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उन्होंने पानी को कंजर्व किया होता है, स्टोर किया होता है, और वो इस वजह से उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स में हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट की प्रॉपर्टी ड्राइनेस या लैक ऑफ मॉइस्चर है, लैक ऑफ रेनफॉल है। डेजर्ट वो एरिया होगा कि जहाँ पर रेनफॉल की कमी होगी, सालाना एनुअल एवरेज रेनफॉल 10 इंच से कम होगी, वो डेजर्ट होगा। इस लिहाज से उसका टेम्परेचर से कोई खास ताल्लुक नहीं है। टेम्परेचर उसका ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इस लिहाज से हम उसको डिवाइड करते हैं हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट्स में। अगर उसका एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई है, तो वो हॉट डेजर्ट कहलाएगा, और अगर उसके एवरेज टेम्परेचर कम है तो वो कोल्ड डेजर्ट्स कहलाते हैं, या उनको टेम्परेट डेजर्ट्स भी कहते हैं। हॉट डेजर्ट में जो इम्पोर्टेंट हैं वो सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट और थार डेजर्ट्स हैं, और कोल्ड डेजर्ट्स में इम्पोर्टेंट अंटार्कटिका, गोबी और तकलामकान इम्पोर्टेंट कोल्ड डेजर्ट्स हैं। ये डेजर्ट डिस्ट्रीब्यूशन को वर्ल्ड मैप के ऊपर शो किया गया है, जिसमें इम्पोर्टेंट जो डेजर्ट्स हैं उनको वर्ल्ड मैप के ऊपर शो किया गया है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।